अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं डिस्कस करते हैं रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास लाइम कैल्शियम कार्बोनेट को स्टूडेंट्स आप हीट करते हैं जब तो आपके पास लाइम जनरेट होता है यानी कि स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो स्टूडेंट्स इसका आपके पास रोल होता है एग्रीकल्चर के अंदर वो क्यों क्योंकि स्टूडेंट्स प्लांट्स को ये चाहिए होता है सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आप लाइन को यूज़ करते हैं टू न्यूट्रलाइज़ एसिडिक सॉयल्स यानी कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं आपके जो उन सॉइल्स का जिनका पी बहुत ज़्यादा लो होता है यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है आप क्या करते हैं उनके अंदर लाइम ऐड कर देते हैं तो स्टूडेंट्स आपका क्या होता है पी न्यूट्रलाइज़ हो जाता है तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आप न्यूट्रलाइजिंग इन न्यूट्रलाइजिंग द पी ऑफ एसिडिक सॉल्स आप यूज़ करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को या स्टूडेंट्स आप यूज़ हैं लाइम को देन स्टूडेंट्स हम लाइम सल्फर स्प्रेस को यूज करते हैं एंटाई फ्यूजिसीडल एक्शन के अंदर यानी कि स्टूडेंट्स हम फंगस की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स हम स्लेक लाइम को यूज़ करते हैं स्लेक लाइम स्टूडेंट्स आपके पास कैसे बनता है कि लाइम का आप रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास बनता है स्लेक लाइम अब स्टूडेंट्स ये जो ज्लेक्क लाइम होता है इसके मुख्तलिफ एप्लीकेशनस होती हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर आपकी रूट हेयर डिवेलपमेंट की वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है लाइम से स्टूडेंट्स यानी कि आपके पास वो लाइम रिच सॉइल्स जो होती हैं स्टूडेंट्स उनमें रूट हेयर की डिवेलपमेंट काफ़ी डेंस होती है उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास कुछ मेटल्स हैं जिनकी आपके पास डिफिशंसी एसोसिएटेड है विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अगर सॉइल की सॉयल के अंदर स्टूडेंट्स अगर आपके पास कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है तो स्टूडेंट्स इट विल ऑलवेज मीन कि एल्यूमिनियम और मैंगनीज की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी देन स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस के लिए भी इन न्यूट्रिएंट्स का यानी कि कैल्शियम का सल्फर का होना जरूरी है वो इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्जिस्टेंस आपके पास न्यूट्रेंट्स पर भी डिपेंड कर, कर रही होती है उनकी बेसिस पर स्टूडेंट्स उनकी जो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो डिपेंड कर रही होती है दैट्स वाई स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड डिस्कस करते हैं रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स आपकी जो पेपर इंडस्ट्रीज है उसमें यूज किया जा रहा होता है स्टूडेंट्स के अलावा रिफाइनिंग ऑफ शुगर में हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स उसमें आपको यूज़ किया जा रहा होता है लाइम को देन स्टूडेंट्स ग्लास के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जा रहा होता है लाइम को स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब लाइम को हम सिलिका से रिएक्ट करवाते हैं तो इट फॉर्म्स कैल्शियम सिलिकेट आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि आपके पास जो कैल्शियम सिलिकेट है ये आपके पास वो बेसिक सब्सटेंस है या जो बेसिक आपके पास प्रोडक्ट है जो कि स्टूडेंट्स आगे जाके इस्तेमाल की जाती है ग्लास के मैनुफेक्चर के अंदर देन स्टूडेंट्स लाइम मोटार स्टूडेंट्स लाइम मोटार या ऑर्डिनरी मोटार क्या होती है स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि मोटार को या ऑर्डिनरी मोटार या लाइम मोटार को हम यूज करते हैं टू स्टिक ब्रिक्स टुगेदर यानी कि हमने को साथ जोड़ना है तो हम लाइम या ऑर्डिनरी मोटार यूज करते हैं इसको हम बनाते कैसे हैं सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम स्लेक लाइम बनाते हैं आपके पास ये जो स्लेक लाइम है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट जनरेट कर सकती है स्टूडेंट्स ये स्लेक लाइन और इसके साथ आप थ्री क्वार्टर ले लें सैंड के एस टू तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जनरेट करती है कैल्शियम सिलिकेट एस आई ओ थ्री प्लस एच टू स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जब आप बनाते हैं ऑर्डिनरी मोटर यानी कि स्टूडेंट्स आप थ्री पार्ट्स ले लेते हैं सिलिका के और उसको मिक्स कर लेते हैं आप मिक्स कर लेते हैं स्टूडेंट्स आपके पास पेस्ट बन जाती है तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आप यूज करते हैं उसको टू स्टिक द ब्रिक्स टूगैदर यानी कि स्टूडेंट्स आप उसको ब्रिक्स आपस में स्टिक करने में आप उसको इस्तेमाल करते हैं यानी कि जो पेस्ट बनती है लाइम मोटार की ऑर्डीनरी मोटार की उसको आप यूज़ करते हैं टू प्लेस द ब्रिक्स टुगेदर यानी कि स्टूडेंट्स इसका रोल इस तरह से भी इंडस्ट्री में उसके अलावा स्टूडेंट्स आप लाइम को इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं इन रिफाइनिंग ऑफ शुगर एंड फूड प्रोडक्ट्स एज डिस्कस यानी कि स्टूडेंट्स फूड और शुगर प्रोडक्ट्स की रिफाइनिंग में भी आप लाइम को इस्तेमाल करते हैं दैन स्टूडेंट्स ब्लीचिंग पाउडर की मैनुफेक्चर में इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स इसका एक सिंपल सा रिएक्शन है कुछ ऐसा सी एच होल्ड टू आइस प्लस आप क्लोरीन के साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट आती है स्टूडेंट्स ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में होती है देन स्टूडेंट मिल्क ऑफ लाइंग मिल्क ऑफ लाइंग स्टूडेंट हम किसे कहते हैं मिल्क ऑफ लाइन स्टूडेंट हम कहते हैं सी एच को यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो लाइम का सेचुरटेड सोल्यूशन होता है इन फॉर्म आपके पास लाइम यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड वो स्टूडेंट्स कैसे कि आप कोक के साथ रिएक्शन करवाते हैं लाइम का एट ट्वेंटी एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस यानी कि बहुत ज्यादा हाई करना पड़ता है आपको टेम्परेचर क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो कोक है वो रिएक्टिव भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है और इलेक्ट्रिक फर्नेस में स्टूडेंट्स आपके पास ये रिएक्शन हो रहा होता है तो आपके पास स्टूडेंट्स कैल्शियम काबाइड बनता है प्लस स्टूडेंट्स आपके पास बनती है कार्बन मोनो अब स्टूडेंट्स ये आपके पास सी ए सी टू यानी कि स्टूडेंट्स कैल्शियम काबाइड आगे रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो स्टूडेंट्स ये आगे जनरेट करता है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस स्टूडेंट्स आपके पास बनता है इथाइन सी टू एच टू आगे चलते हैं स्टूडेंट्स डीहाइड्रेटिंग एजेंट स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो लाइम है ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम कर रहा होता है यानी कि जब भी हम कोई ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास इथाइल अल्कोहल की सिंथेसिस कर रहे हैं उसमें भी स्टूडेंट्स ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज हो रहा होता है यानी कि स्टूडेंट्स ये क्या कर रहा होता है वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होता है उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आप स्पेसिफिकली कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं अपने वैक्यूम डेसिकेटर्स के अंदर टू एब्जॉर्व मॉइस्चर फ्रॉम दैट ऑफ द केमिकल सब्सटेंस यानी कि स्टूडेंट्स आपने कोई केमिकल कंपाउंड बनाया है तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर से जितना भी मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि उसको प्लेस कर देंगे वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर और उसके अंदर स्टूडेंट्स ऑलरेडी कुछ कैल्शियम क्लोराइड या स्टूडेंट्स आप, या आपके पास लाइम जो है वो प्रेजेंट होगी वो क्या करेगी स्टूडेंट्स वो क्या करेगी कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या वो मॉइस्चर है जो वो वो कर लेगी तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके पास जो लाइम है वो डी